नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वैल्यूबल वीडियो में। आज मैं आपके लिए वापस आया हूँ अशोक लैंड के पास, और अशोक लैंड का आप ही जो पीछे मेरे वेरिएंट देख रहे हैं, ये है इसका बड़ा दोस्त i2 वेरिएंट। इससे पहले मैंने आपको बड़ा अशोक लैंड के एक तो दोस्त और दोस्त प्लस का और एक बड़ा दोस्त i4 के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको जो i2 का बारे में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो की वैल्यू और सभी तक पहुँच सके। और जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव है, अगर वो गाड़ी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसा लोडिंग व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और उन सभी के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पड़ोस साथ में उसके बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन दिख रहा है उसको भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपकमिंग जो गाड़ी की वीडियोस है रिलेटेड वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। इसके अलावा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए अगर आप जोधपुर राजस्थान में रहते हैं या जोधपुर के आसपास किसी भी एरिया में या गाँव में रहते हैं, तो अगर आप ये लोडिंग व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कमर्शियल व्हीकल कोई भी अशोक लैंड का, तो आप आ सकते हैं PC भंडारी, जो कि अशोक लैंड के डीलर है लाइट कमर्शियल व्हीकल के। इनका जो आउटलेट है वो फन वर्ल्ड वाटर पार्क के जस्ट अपोजिट में आपको मिल जाएगा, मेन चौपासी रोड पे अखिले सर्कल के पास जोधपुर राजस्थान में। तो आप यहाँ पे आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके कांटेक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके साथ में इनका जो एड्रेस है, सारी डिटेल्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपना कोई भी अशोक लैंड का प्रोडक्ट आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अशोक लैंड बड़ा दोस्त i2 की सारी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। तो फ्रंट का लुक आप देखते हैं, कुछ प्रकार से आपको गाड़ी का जो फ्रंट का लुक आपको जो मिलने वाला है, काफ़ी स्माइली लुक आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी सी आपको फ्रंट में बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो वाइपर्स मिल जाते हैं, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अशोक ली लैंड की बैजिंग आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है ली लैंड का। इसके अलावा जब आप हेडलैम्प्स देखेंगे तो काफ़ी बड़े आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें जो हाई बीम और लो बीम दोनों आपको इसी हाउसिंग के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो साइड में पूरी आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी स्टाइलिश और इन्हेंस जो है इसका नज़र आता है इसका लुक। इसके अलावा आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स के अंदर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको जो है इसके बॉर्डर पर आपको क्रोम की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस जो है नज़र आता है। नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर टेप आपको जो देखने को मिल जाती है, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे तो एक और रेडिएटर ग्रिल आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉग लैंप्स के लिए जगह दी हुई है, आप चाहें तो आफ्टर जो है एसेसरीज इसमें जो है फॉग लैंप्स इसमें असेंबल करवा सकते हैं कंपनी से। आप चाहें तो सारी जो एसेसरीज है वो आपको यहाँ से कंपनी से आपको जो मिल जाती है, तो आप बाद में इसमें एसेसरीज जो है इसमें एड ऑन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ प्रकार से आपको गाड़ी का जो साइड का लुक आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, मैं ये जो वीडियो है मेन रोड पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आपको ट्रैफिक की आवाज आए तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और जो गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिएगा। वीडियो का पूरा देखिएगा, काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। वीडियो का बार बार स्किप करेंगे, आधी आधी काट काट के देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कि जब आप गाड़ी परचेज करने जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल आपको जो इस वीडियो में आपको जो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा आप जो है देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए साइड का लुक आपको मिलने वाला है, और सबसे पहले बता दूँ इसकी जो डाइमेंशंस है, लंबाई ऊंचाई, वो आप ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो दिखने को मिल जाएगा। व्हील बेस की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है 2510 mm का आपको जो कहते हैं व्हील बेस आपको मिल जाता है। और अगर बात करें ओवरऑल गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की, तो इसमें आपको जो है 2880 kg का आपको ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पेलोड कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 1425 kg का टोटल पेलोड कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ओरियम्स की, तो काफ़ी बड़े आपको ब्लैक कलर में इसके ओरियम्स मिल जाते हैं, जिससे पीछे आप आराम से ट्रैफिक को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो i2 LS की बैजिंग मिल जाती है, चूँकि इसका सेकंड LS वाला वेरियंट है। इसमें आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बड़ा तो इसमें आपको तीन वेरियंट मिल जाते हैं। LE मिल जाता है सबसे बेस्ट वेरियंट, उसके ऊपर आपको LS मॉडल मिल जाता है, जो आप ये वेरियंट देख रहे हैं इसके ऊपर जो आपको LS मॉडल भी मिल जाता है। तो ये जो सेकेंड वाला आपको वेरियंट देख रहे हैं i2 LS की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप डोर हैंडल देखेंगे तो ब्लैक कलर में ही मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको चाबी से आप यहाँ पे लॉक और अनलॉक मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो इसमें आपको C8 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और प्रोफाइल की अगर बात करें तो 195R15 LT के टायर आपको जो है मिलने वाले हैं। 15 इंचेस के स्टील के साथ आपको टायर मिल जाते हैं, 195 की प्रोफाइल आपको मिल जाती है, तो चौड़े टायर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं फिल्टर मिल जाएगा, और इंजन इंटेक आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये बड़ा सा डाला मिल जाता है। डाले साइज़ की अगर बात करें तो 9x5.5 feet का आपको जो है डाला मिल जाता है, और जैसे पेलोड कैपेसिटी मैंने आपको पहले बताया 1425 kg की आपको जो यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा खासा सामान आप लोड करके
अपना सामान को जो है माल को सप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस में खूब आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे देख सकते हैं एग्जॉस्ट आपको जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है, पत्ती कमानी पीछे और आगे, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको जो है तीन तीन पत्तियाँ मिल जाती हैं। और ऑफ लोडिंग में भी आपको जो है कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप आराम से अपना खूब सारा सामान यहाँ पे लोड करके जो है माल को सप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपको जो है नीचे का लुक आपको मिलने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, तो ऊपर खाबड़ सड़कों में भी आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर आपको जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिल जाते हैं, और तो फ्रेंड्स ये आप रियर का लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है अशोक लैंड की बैजिंग मिल जाएगी उभरे उभरे अक्षरों में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टेड टेप आपको रियर में मिल जाती है जो नाइट के टाइम में काफ़ी सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे गाड़ी को बैक लेते टाइम आपको काफ़ी सेफ्टी महसूस होती है, कहीं गाड़ी पीछे अड़ने का डर नहीं रहता, आराम से आप गाड़ी को रियर बैक ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेल लैंप्स मिल जाती है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील की जो है जगह आपको यहाँ मिल जाएगी, हिंदुजा ग्रुप की बैजी, हिंदुजा ग्रुप का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, और कुछ प्रकार से आप इसका एक्सेल जो है आप यहाँ से नीचे तरफ इसका पीछे से एक्सेल जो है आप देख सकते हैं, तो कुछ प्रकार से आपको नीचे का जो है सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेटअप आपको जो है यहाँ पे नज़र आने वाला है। गाड़ी का लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो कुछ प्रकार से आपको यहाँ से लुक नज़र आने वाला है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये आपको डीजल टैंक यहाँ पर मिल जाता है, डीजल टैंक की बात करें तो करीब 40 लीटर्स की डीजल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, और अगर इसकी बात करें माइलेज की तो करीब 16 से 17 के बीच में आपको जो है सामान लोड करके आपको जो है माइलेज आपको जो मिल जाता है। बाकी आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं, अगर ढंग से नियमानुसार लिमिटेड स्पीड में चलाएंगे तो और भी ठीक ठाक माइलेज आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे को ड्राइवर साइड में तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको बड़ा दोस्त की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इंडिकेटर आपको यहाँ पे डोर पे ही देखने को मिल जाता है, यहीं पे आपको जो है ब्लैक कलर का हैंडल मिल जाता है, लेकिन चाबी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इंजन की बात करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको जो पूरा पूरा इंजन का सेटअप आपको मिलने वाला है, यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा पूरा इंजन आपको मिल जाता है। इंजन की अगर हम बात कर लें इसमें तो आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन आपको मिल जाता है, और इसमें आपको जो पावर जो मिल जाती है वो 70 हॉर्स पावर की पावर मिल जाती है, और इसमें आपको जो है 190 Nm का टॉर्क आपको जो मिल जाता है 1600 से 2400 RPM पे से आपको जो टॉर्क आपको मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया माइलेज भी आपको 16-17 के आसपास मिल जाता है, तो कुछ प्रकार से ये आपको जो 3 सिलेंडर 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसमें अंदर आपको मिल जाता है। तो चलिए एक बार अंदर चल लेते हैं और अंदर चल के भी देख लेते हैं। यहाँ से आप जैसे को ड्राइवर साइड का डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं पूरा पूरा आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही आपको यहाँ पे पूरा पूरा जो अंदर का इंटीरियर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो ड्यूल टोन कलर मिल जाता है ग्रे और ब्लैक कलर में आपको जो इंटीरियर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा ब्लैक कलर में, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो हैंडल में आपको जो जगह मिल जाती है आप कॉइन्स वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है विंडो को बंद और ओपन करने के लिए, आप देख सकते हैं ईजिली यहाँ से इसको स्मूथली बंद और खोल सकते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स की जगह आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, आप यहाँ पाँव रख के गाड़ी के अंदर इजीली जो एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिल जाता है क्योंकि जो गियर लीवर है वो आपको ऊपर डैशबोर्ड की तरफ मिल जाता है, और यहाँ पे आप आराम से जो यहाँ से निकल सकते हैं और वापस गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हैं। सीटिंग की अगर बात करेंगे तो आपको ड्राइवर के साथ दो जने यहाँ पे बैठ सकते हैं, D+2 सीटिंग की जगह मिल जाती है, और यहाँ पे आप चाहे तो सीट को फोल्ड कर सकते हैं आराम के, और सीट अगर आप अकेले हैं तो सीट को यहाँ पे दोनों सीट को नीचे की तरफ फोल्ड करके इसको अंदर आप स्लीपर की जगह बना सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर अपना आराम से गाड़ी के अंदर रेस्ट भी आप कर सकते हैं, तो ये भी आपको इसके अंदर ऑप्शन आपको ये सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी सीट मिल जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर सीट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको थोड़ी नीचे तरफ मिल जाती है, तो आराम से आप कंफर्टेबल होकर इस यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आप इसको डाउन सीट को डाउन करके और आराम से यहाँ पे आराम कर सकते हैं अगर काफ़ी लंबे रूट पर आप जा रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, सामान रखने के लिए कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको इसमें होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रकार से आप ये ड्राइवर साइड का एरिया देख सकते हैं, डोर दिखा देता हूँ पहले आपको, सेम टू सेम जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल मिल जाता है, ब्लैक कलर में लीवर मिल जाता है विंडो ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं आराम से, इसको पकड़ के डोर को बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पानी की बॉटल की होल्डर जगह मिल जाती है, वाटर बॉटल होल्डर जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी पानी की बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे स्पीकर्स की जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है, फुटरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे रख के, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इसके ऊपर पकड़ के आप गाड़ी के अंदर ईजिली जो है एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। सीट आपको मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, और सीट को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है, अपनी हाइट के अनुसार इसको सीट को आगे और पीछे आप कर सकते हैं। सीट बेल्ट आपको यहाँ मिल जाती है। गाड़ी की अगर टूल किट की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे
नीचे तरफ आपको टूल किट की जगह दी हुई है, आप अपना जो गाड़ी के टूल किट से यहाँ पे रख सकते हैं। ये आप देखते हैं यहाँ पे आपको रॉड वगैरह मिल जाती है, और पीछे आपको जो है यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो आपको मिल जाती है बड़ी सी, जिसमें आप गर्मी में भी आप इजीली इसको खोल सकते हैं और शुद्ध जो फ्रेश एयर है उसको यहाँ पे अंदर से बैठ के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा पीछे आप सामान का भी ध्यान रख सकते हैं और पीछे का ट्रैफिक का भी आप ध्यान रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी बड़ा केबिन मिल जाता है, जिसमें आपको हाइट अगर बड़ी भी है 6 फीट के आसपास तो आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ABC तीनों पैडल आपको यहाँ पे नीचे तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हेडलैम्प का लेवलर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स बात करें इसकी स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको जो है पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, तो पावर स्टेयरिंग आपको एशोलैंड के सभी 2 साल मॉडल में आपको मिल जाएगा। AC वाला मॉडल आपको चाहिए, अगर AC की व्यवस्था चाहिए तो आप इसका टॉप वाला वेरियंट है LX, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें पावर स्टेयरिंग के साथ साथ आपको AC भी मिल जाता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की इंटीरियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा ग्रे कलर में हार्ड प्लास्टिक में आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको यहाँ भी आपको प्लास्टिक मिल जाता है, ब्लैक कलर में मिल जाता है, और बीच में हेज़लनट का स्विच आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो बाद में म्यूजिक सिस्टम इसमें लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है नीचे स्पेस वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का जो सॉकेट आपको मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 5 गियर स्पीड मैनुअल गियर का आपको लीवर आपको जो है मिल जाता है। यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो वाइजर देखने को मिल जाएगा, सनवाइजर, आप यहाँ पे धूप के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको केबिन की लाइट आपको जो मिल जाती है केबिन की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे IR VR मिल जाता है, डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, आप यहाँ से पीछे का जो है रात के टाइम या दिन में भी आप इसको आराम से यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने जैसे ही पहले बताया, आपको यहाँ पे पावर स्टीयरिंग मिल जाता है राउंड शेप में, 3 स्पोक में मिल जाता है, बीच में आपको लीलैंड का लोगो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप ये वाला लीवर आप देख रहे हैं राइट साइड वाला, इसके अंदर आपको हेडलैम्प के और इंडिकेटर से कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो लेफ्ट वाला आप लीवर देख रहे हैं यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो देखते हैं फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है, आप आराम से ट्रैफिक में देख के गाड़ी को चला सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करेंगे इसके क्लस्टर की, इसके अलावा आप यहाँ पे इसका जो है डिजिटल क्लस्टर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको जो यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो आपको RPM यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा राइट साइड में आपको यहाँ पे फ्यूल गेज आपको जो डिजिटली देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी की लाइट आपको दिख रही होगी, और इसके अंदर ऑटोमीटर आपको यहाँ पे पार्किंग की लाइट आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको ECM की लाइट आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे अंदर आपको अशोक लेलैंड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो छोटी सी MID मिल जाती है छोटी सी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, और आपको टाइमिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे अंदर की तरफ आपको डिजिटली देखने को मिल जाती है, और आप कोई भी आदमी इसको ईजिली यहाँ पे पढ़ सकता है, काफ़ी बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी खासी डिजिटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो किसी को भी यहाँ पे मीटर देखने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स अब चाबी भी दिखा देता हूँ आपको, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको इस प्रकार की आपको चाबी मिलने वाली है, यहाँ पे अंदर सिंपल चाबी मिल जाएगी, और लीलैंड का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो किस प्रकार से आप अंदर का केबिन भी आप जो है देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 9,08,000 रुपये इसकी एक्सशोरूम प्राइस है, और ऑनरोड कीमत की बात करें तो सभी स्टेट में अलग अलग हो सकती है, आप अपने डीलर पे वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, वहाँ के टैक्स के अनुसार वहाँ पे ऑनरोड प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें AC वाला मॉडल लेना चाहते हैं यानी LX मॉडल लेना चाहते हैं, तो उसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 9,30,000 रुपये, तो ये डिफरेंस जो है दोनों मॉडल में आने वाला है, बाकी दोनों में जो फ़र्क है वो मेन जो है AC का ही फ़र्क आपको जो नज़र आने वाला है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, और LX जो मॉडल है उसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग के साथ साथ AC की भी सुविधा आपको उसके अंदर मिल जाती है। तो AC के सबसे बड़ा लेने का फ़ायदा यह है कि आप किसी भी मौसम में आप उसको जो कहीं भी लॉन्ग ड्राइव उस पर कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, और काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग आपको जो ड्राइव इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मुझे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में इसको जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर अशोक लैंड का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं BC भंडारी, जो कि जोधपुर में अशोक लैंड के डीलर है लाइट कमर्शियल व्हीकल के, इनका जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में गाड़ी की डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करें, वहाँ पे गाड़ी की डिटेल्स के साथ साथ डीलरशिप की डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद।